Welcome back again, and see over here we have just now we have seen SN reactions of haloarene. Now what we are going to see is electrophilic reaction, substitution reactions of haloarenes. उससे पहले जरा समझते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे उससे पहले रेजोनेंस क्या होता है. जस्ट नाउ वी हैड सीन रेजोनेंस दैट रेजोनेंस व्हिच वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफिकल्ट एसएन रिएक्शन. सेम रेजोनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजी फिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सबसे पहले ये सिखाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है. सी वी हैड लर्न इन द लेटर पार्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड दैट बेंजीन इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल्स. नॉर्मली इलेक्ट्रोफाइल्स as the name suggests it is electron deficient species. It may be cation, it may be neutral species, but they are electron deficient. Wo electron rich benzene pe attack karte, aur benzene pe as we know there are 6 hydrogen atoms are there. There are 6. I am drawing only one for the fraction of second. Yahan pe electrophile attack karta hai. और ये जो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है यहां पे सेंटर में जो डेंस है काफी, वहां से इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोफाइल अपनी ओर खींच लेता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यहां पे ये रिंग थोड़ी कम हो जाती है एंड वी डेवलप पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर. दैट्स एन इंटरमीडिएट पार्ट ओवर देयर. ओके, केटायन ने इलेक्ट्रॉन यहां से लिए बट वो स्टेबल नहीं है, वापिस ये बॉन्ड टूटेगा. हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देते हुए चला जाएगा, वो यहां पे देते हुए एंड बेंजीन रिंग गेट्स कंप्लीटेड. दिस इज व्हाट वी हैड लर्न इन 11th स्टैंडर्ड. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. बेंजीन में प्लेस करते एंड दैट्स नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन. वी हैव लर्न दैट अर्लियर, हमने ये सीखा हुआ है 12th स्टैंडर्ड में, माफ करना 11th स्टैंडर्ड के लेटर पार्ट में. नाउ वही चीज वही कंसेप्ट को हम यहां पे कंटिन्यू करने वाले. यहां पे क्या करने वाले, रेजोनेंस हो रहा है हेलोरिन के पास, रेजोनेंस हो रहा है तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है. किसकी ओर डोनेट कर रहा है, बेंजीन रिंग की ओर. एंड दैट्स व्हाई यहां पे यू कैन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज बीन इंक्रीज्ड बिकॉज़ क्लोरीन ने अपनी एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट कर रखी हुई. इन अदर वे इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है. सो इसलिए इसके पर केटायन अटैक करेगा, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल होते हैं. समटाइम्स केटायन आता है, समटाइम्स न्यूट्रल आएगा, बट इलेक्ट्रोफाइल में अटैक हो गया एंड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूट व्हाट, क्लोरीन इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूट व्हाट, क्लोरीन. सो उससे हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनने वाला है. ओके, ये तो जस्ट एक बेसिक बात रिएक्शन, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं. रेजोनेंस डज हेल्प. क्लोरीन इस ओवर हियर. ओके, एक स्पेसिफिक हमारी जो लैंग्वेज है गुजराती में डबल ढोलकी है. ओके, वो डबल ढोलकी है, वो इलेक्ट्रॉन पे देता भी है लेता भी है. व्हाई, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस व्हिच पुल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ व्हिच इज नोन एज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. नहीं, माफ करना, पॉजिटिव तो जो डोनेट करता है उसको बोलते हैं, विच इज नोन एज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. व्हाट डू वी कॉल इट. सो हियर देर आर टू थिंग्स आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली. फर्स्ट थिंग, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग व्हिच फैसिलिटेट्स
द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फैसिलिटेट्स का मतलब सिंपल सा है, जो ये रिएक्शन को अच्छा बनाता है। कौन से वाले को? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाउएवर व्हेन इट टेक्स प्लेस लाइक दिस, भाई इसके अंदर जब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो जाती है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऑपोजिशन में चला जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कम करने वाला है। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला है? कम करने वाला। इसकी बॉन्ड लेंथ भी छोटी हो जाएगी उसकी वजह से। सो देर आर टू फिनोमिना टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। वन, इन हेलोरिन कंपाउंड इन स्पाइट ऑफ हेलोजन ग्रुप प्रोड्यूसिंग ऑर्थोपेरेटिन इफेक्ट, इट डिक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। बेंजीन में जितना इजीली आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये जो बेंजीन का हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उतना इजी यहां पे नहीं हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ हेलोजन ग्रुप, हेलोजन जो ऑर्थो पैरा यहां पे इफेक्ट बना भी रहा है, इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस एंड हेलोजन ग्रुप डिफर फ्रॉम द अदर ऑर्थो पैरा डिरेटिंग ग्रुप। इसकी जगह पे अगर टोल्यून होता ना, मस्त इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है, काफी इजी देता है। क्यों? क्योंकि यहां पे CH3 ग्रुप का एक ही काम है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, वो वापस खींचता नहीं है। सो दूसरे ऐसे ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग ग्रुप है, जैसे कि मिथाइल है, इथाइल है, उसके कंपैरिजन में हैलोजन ग्रुप लिटिल बिट डिफरेंट है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इज प्रोड्यूस इन क्लोरोबेंजीन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरिन इन क्लोरोबेंजीन। क्लोरिन भाई साहब इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन, द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इंक्रीजेस। ओके, बिकॉज ऑफ दिस नॉन बॉन्डिंग टू टू फिनोमिना आवर टेक्स्ट बुक टॉकिंग साइमल्टेनियसली। एक लाइन में वो नेगेटिव इफेक्ट की बात करेंगे, दूसरे में रेजोनेंस की बात करेंगे। सो हमारा दिमाग उस टाइम पे इतना शार्प होना जरूरी है कि हम दोनों पॉइंट को डिफ्रेंशिएट कर पाए। अभी वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, सडनली दे आर कमिंग टू द रेजोनेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड क्लोरीन एटम। क्लोरीन के पास नॉन बॉन्डिंग है, इसलिए रेजोनेंस बढ़ रहा है। तो दोनों चीज बता रहे हैं यहां पे, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा इंक्रीजेस मोर देन मेटा पोजिशन, बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द फिनाइल न्यूक्लियस। एंड दोनों फिनोमिनन जब साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इन दोनों में से द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर, उसकी इफेक्ट रेजोनेंस से ज्यादा रहती है। बिकॉज ऑफ दिस बेंजीन रिंग ट्राइज टू बी इनर्ट, बेंजीन रिंग ट्राइज टू बी इनर्ट। जितना इजी रिएक्शन बेंजीन के अंदर हो रहा था, उतना इजी नहीं है। हेंस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोरिन कंपाउंड्स बाय क्लोरीन आर गिव रीजन। सी हियर, इट इज डिफिकल्ट बिकॉज बेंजीन रिंग ट्राइज टू बी इनर्ट बिकॉज ऑफ द टू पैरेलल फिनोमिनन। हेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोरिन कंपाउंड्स बाय क्लोरीन आर स्लो इन रिलेशन टू बेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट कंडीशंस आर इंपोर्टेंट। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। दिस एग्जांपल्स आर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क इन 11th स्टैंडर्ड। सी क्लोरोबेंजीन को अगर आप क्लोरीनेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेस FeCl3, वी नीड 303 से 313 केल्विन क्लोरीन। ऑर्थो एंड पैरा पे आएगा, वी कैन सी दैट ओके ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, या तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 ओके। अदर बुक एनसीईआरटी सजेस्ट दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। ऑल पैरास आर मेजर, यू मे राइट डाउन, आई एम नॉट गोइंग टू राइट फॉर एवरी वन, फॉर एवरी रिएक्शन यू मे राइट डाउन फॉर ऑल, जितने भी पैरा प्रोडक्ट है दे आर मेजर प्रोडक्ट। सेकेंड रिएक्शन ओवर हियर, क्लोरोबेंजीन
नाइट्रेशन अगर हम करते, नाइट्रेशन के लिए वी रिक्वायर कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री एंड कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर. तो याद रखना, एक ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप ऐड होने वाला है एंड एक पेरा पे नाइट्रो ग्रुप ऐड होने वाला. सो वी गेट पेरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन. और अगर उसका नॉमेनक्लेचर देना है, 1, 2, 3, 4, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन एंड 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन. अगर सल्फोनेशन करते, बहुत ही इजी है सल्फोनेशन. क्लोरो का अगर कंसिडर एच टू एस ओ फोर के साथ 353 363 केल्विन पे रिएक्शन किया, तो ऑर्थो एंड पैरा पे एस ओ थ्री एच ग्रुप एड होगा एंड नंबरिंग यहाँ से होगा. इस बार एस ओ थ्री एच ग्रुप इज मोर इम्पोर्टेंट. 4 क्लोरोबेंजीन, इतना बेंजीन सल्फोनिक एसिड है. इतना क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड. और 4 पे क्लोरीन है, सो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या तो पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. देन वी हैव 2 मोर रिएक्शन, दैट इज फिडल क्राफ अल्काइलेशन. वी नीड फिडल क्राफ अल्काइलेशन. हमें से याद रखना, एनहाइड्रेस AlCl3 CH3Cl के साथ रिएक्ट करते हैं. ऑर्थो एंड पैरा पे CH3 ग्रुप ऐड होने वाला है. सो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, या तो पैरा क्लोरो टोल्यूइन बोलेंगे, एंड 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन विच इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन. बराबर है कि नहीं? सी ओवर हियर, फिडेल क्राफ अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन पैरेलली करते. सी एच थ्री सी एल के साथ, तो सी एच थ्री यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे आया. वी हैव लर्न दैट दोस रिएक्शन. नाउ फिडेल क्राफ असाइलेशन. देखो रिएक्शन में क्या होता है, जब सी एच थ्री सी एल करते हो तो सी एल बाहर निकल जाता है, सी एच थ्री जुड़ता है ऑर्थो एंड पैरा. इफ यू डू द एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट, दिस इज नोन एज एसिटाइल क्लोराइड, या तो इथेनोइल क्लोराइड, इट्स नोन बाई बोथ द नेम्स. क्लोरीन चला जाएगा एंड सीओ सी ए थ्री एट ऑर्थो और एट पेरा. सो पेरा पे सीओ सी ए थ्री जुड़ा. पेरा पे क्या जुड़ा? सीओ सी ए थ्री एंड ऑर्थो पे. इसका कॉमन नेम अगर देखते हो आप, दिस इज एसिटोफिनोन. इसको क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन. पेरा क्लोरो एसिटोफिनोन, सेम में ये ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन. बट जब आयुपिक नेम देते हैं तो आयुपिक नेम के लिए थोड़ा अलग है. लेट मी शो इट टू यू. को उस टाइम पे ये मेन ग्रुप बनता है इथेनॉन. ये ग्रुप कौन सा बनेगा? मेन इथेनॉन. और ये अगर खाली ब्रांच होती बेंजीन की, तो उसको बोलते हैं फिनाइल इथेनॉन. अगर इतना ही पार्ट आपके पास होता तो व्हाट वी वुड कॉल इट? फिनाइल इथेनॉन. बट उसके पास क्लोरीन भी है, देन वी कॉल इट क्लोरोफिनाइल इथेनॉन. व्हाट डू वी कॉल इट? क्लोरोफिनाइल इथेनॉन. बट अभी जरा ध्यान से इसका नाम लिख, मेन चेन ये है तो इथेन वन ऑन. व्हाट डू वी कॉल इट? इथेन वन ऑन. और इसके वन नंबर पे ये पूरा जुड़ा हुआ है क्लोरोफिनाइल. एंड इसका भी सब नंबरिंग होगा, 4 क्लोरोफिनाइल है. इथेन ऑन के वन नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? 4 क्लोरोफिनाइल. आर यू गेटिंग दैट? सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट डू वी हैव? वन नंबर पे 4 क्लोरोफिनाइल इथेन वन ऑन. सेम थिंग ओवर हियर, इथेन इथेनॉन के वन नंबर पे 2 क्लोरोफिनाइल जुड़ा है. क्या जुड़ा हुआ है? 2 क्लोरोफिनाइल. सो वन नंबर पे 2 क्लोरोफिनाइल इथेन वन ऑन. करेक्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इफ यू कंटिन्यू फर्दर, हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं. दो और रिएक्शन देख लेते. दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, दिस इज थर्ड नंबर रिएक्शन विच इज नोन एज रिएक्शन विथ मेटल. रिएक्शंस विथ मेटल. नाउ जरा ध्यान से समझना, ये लोगों ने रिएक्शन विथ मेटल जब हेलो अल्किन के साथ किया था, डू यू रिमेंबर दिस रिएक्शन? व्हाट डू वी गेट इज, एंड वी कॉल दिस रिएक्शन एज वुड्स रिएक्शन. यहां पे बट कंडीशन वॉज दैट दिस शुड बी हेलो अल्किन. वो क्या होना चाहिए आपके पास? हेलो अल्किन. अगर हेलो अल्किन की जगह पे क्या ऐसा रिएक्शन पॉसिबल है, हम हेलो ऑरिन ले ले एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करे, सेम रिएक्शन होगा. दो एनएक्स बाहर चले जाएंगे,
माइनस टू एन एक्स, और दो फिनाइल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे जिसको हम बोलेंगे डाइफिनाइल। हो रहा है ये रिएक्शन, यू कैन सी दैट दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। टू क्लोरोबेंजीन्स रिएक्टिंग विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, व्हाट डू यू गेट इज डाइफिनाइल। आपको क्या मिल रहा है डाइफिनाइल, और इसको बोलते हैं फिटिंग। व्हाट डू वी कॉल इट, फिटिंग। ओके, इट्स फिटिंग नॉट फिटिंग, फिटिंग। ओके, नाउ अगर दोनों हेलो अल्केन एंड ड्राई इथर के साथ रिएक्शन करते हो, इट्स नोन एज वुड्स रिएक्शन। दोनों हेलो अरीन है और आप ये रिएक्शन कर रहे हो, इट्स नोन एज फिटिंग रिएक्शन। बट अगर एक हेलो अरीन और एक हेलो अल्केन, क्या ये रिएक्शन होगा? होगा। अगर आप एनए के साथ रिएक्ट करोगे, एक एन ए सी एल यहां से निकलेगा, एक एन ए सी एल यहां से निकलेगा और सी ए थ्री यहां पर जुड़ जाएगा। कैन यू सी दैट, यू गेट टोल्यूइन। व्हाट डू यू गेट इज टोल्यूइन, बट इसमें आधा वुड्स हो रहा है आधा फिटिंग हो रहा है, इसलिए इट्स नोन एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ओके, सेम वे क्लोरोबेंजीन को आप इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करो इन द प्रेजेंस सोडियम मेटल एंड ड्राई इथर, सोडियम इन दोनों के साथ कंबाइन होकर चला जाएगा, सीधा यहां पे जुड़ेगा, यू कैन सी दैट एंड यू गेट इथाइल बेंजीन। तो ये तीसरे टाइप का रिएक्शन था हेलोरिन्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाई करने वाले पॉलीहैलोजन, लेकिन उससे पहले जरा मैं